फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएसपी क्लासेस। एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं। अब आप देख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये 14 क्वेश्चन तक देख रहे हो आप, बिल्कुल सेम है बच्चों। 2x2 की मैट्रिक्स है और इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। और अगर इनमें से किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, वो आपको सोल्यूशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद जो है ये 15, 16 और 17, ये तीनों क्वेश्चन भी एक जैसे हैं। तो हम इसमें 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3x3 का है, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने लिखी है मैट्रिक्स, स्टेप वही रहेंगे, ए इक्वल टू आई ए, तो देन ए ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बस इतना अंतर है कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो 3x3 की हो गई है। तो आपको जो है थोड़ा कैलकुलेशन में और ज़्यादा ध्यान देना होगा। 2, 2, 3, -3, 2, -2, 3, 3, 2, और यहाँ पे आप लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की ही लिखी जाएगी, क्योंकि जो आपकी और मैट्रिक्स हैं वो 3x3 की हैं। यहाँ पे आपका ए मिलेगा, ठीक है। अब पता है ना आपको क्या करना है, कि इसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आओगे तो ये जो मिलेगा आपको वो ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बच्चों स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, स्टेप बहुत सारे हो जाएंगे तो, और कोई से भी आप स्टेप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ 2 -2 जीरो हो जाए ताकि, ठीक है, और 3 -3 जीरो हो जाए। तो मैं एक ऑपरेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ R2 में, R2 -R1, ठीक है। देखिए इसको करने से क्या होगा, और आपको पता है ये दोनों मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। तो कैलकुलेशन को ज़्यादा देखना बच्चों, और आप मैट्रिक्स की कैलकुलेशन या तो यहाँ पे लिख सकते हो तो मैट्रिक्स के स्टेप बढ़ जाएंगे, नहीं तो आप साइड में कहीं रफ में कर सकते हो, जहाँ थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन आएगी। अब देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, 2 -3 और 3 ऐसे ही रहेगा। R2 में से R1 गया तो 2 -2 कितना आया, 0। फिर 2 -3 करेंगे, लेकिन ये -3 पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 हो गया 5, 3 - 3 हो गया 0, 3 और R3 ऐसे ही रहेगी, 3 -2 और 2। इधर भी सेम ऑपरेशन चलेगा कि R2 में से R1 घटा रहे हैं, तो 0 में से 1 गया -1, फिर 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 0 गया 0, और 0, 0, 1 ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि R2 में 5 आ रहा है, बाकी दोनों 0 हैं, और हमें पता है जो हमें चाहिए होता है तो यहाँ 1 है, तो हम R2 में R2 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये ऑपरेशन लगते हैं, देखिए बच्चों 2 -3 3 0 1 0 3 -2 2 1 0 0 -1/5 1/5 0 0 0 1। समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, तो ये वाली देख रहे हो आप, सेकंड रो तो आपकी सही हो गई है। अब हम ये कर रहे हैं कि R1 3 में से 2 गया 1, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या लेके आना होता है, यहाँ पे 1 लेके आना होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, और ये R1 में R1 -R3 कर रहे हैं, ठीक है। अभी बच्चों मैं सिंगल सिंगल ऑपरेशन ही ले रहा हूँ, क्योंकि दो हो जाएंगे तो थोड़ी से टफ होगा। तो अब देखिए R1 में R1 -3 कर रहे हैं, जैसे 2 -3 कितना आएगा, -1। -3 बीच में माइनस, फिर ये -2, तो -3 -2, तो -3 में से +2 जाएगा तो -1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, और R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन इधर ऑपरेशन लगेगा, R1 में से R3 गया तो यहाँ 1 में से 0 गया 1, 0 0, और ये -1, और बाकी सब ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे 1 -1 ये आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँ, जैसे मुझे पता है आपको यहाँ पे 0 लाना होता है, तो एक ऑपरेशन तो हम ये चला रहे हैं कि R1 में R1 + R2 कर रहे हैं, ठीक है।
एक ऑपरेशन तो ये चलेगा R1 में R1 प्लस R2, एक एक दूसरा ये चला रहे हैं कि R3 में R3 प्लस 2R2। अब हम एक साथ दो ऑपरेशन लगाएंगे, एक रो R1 में और एक R3 में। ये दूसरे वाले से क्या होगा, जब आप R3 में 2R2 को ऐड करोगे तो यहाँ 2 आएगा ना, 2 और -2 कर दोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 0 करने हैं। हमारा फोकस वही है, ध्यान रखिए कि हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो डायगोनल 1 आने चाहिए, बाकी सब 0 आने चाहिए, यही दिमाग में रख के हमें सारे ऑपरेशन सेलेक्ट करने होते हैं। तो अब हम देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसे R1 प्लस R2, तो -1 प्लस 0 -1, -1 प्लस 1 0 हो गया, और 1 प्लस 0 1 हो गया, ठीक है। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो R2 को ऐसे ही लिख देंगे, और R3 में ऑपरेशन है क्या, R3 प्लस 2R2। अब हम यहाँ देखिए, यानी कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी साइड में लाइन खींच देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। जैसे R3 में पहला एलिमेंट देखिए, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, 3 प्लस 2 इंटू R2 में कितना है, 0, तो 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। समझ में आया, तो ऐसे ही आप और देखिए, फिर क्या है ये वाला ना R3, तो ये आप यहाँ लिखोगे -2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 0। ये ऐसे बच्चों साइड में करने से ये बेनिफिट है कि आप एक मैट्रिक्स में लिखोगे तो आपको एक मैट्रिक्स बढ़ानी पड़ेगी, और साइड में आप थोड़ा रफ कर लोगे तो आपकी एक कैलकुलेशन बच जाएगी और ये सही भी रहेगी, ठीक है, इससे गलती नहीं होगी। तीसरा है जैसे 2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 2, तो ये यहाँ पे आ गया 2, तो ये LHS हो गया। अच्छा, अब RHS में देखिए, यहाँ पे थोड़ा और आएगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में है वैल्यू, तो R1 प्लस R2 कर रहे हैं, तो सबसे पहले R1 में तो 1 और -1/5 को जब आप ऐड करोगे, तो जरा देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 5 बन जा 5, 5 में से बन गया 4, 4/5 आएगा ना, तो पहला एलिमेंट आ गया 4/5। इस तरीके से करना है बच्चों, 0 प्लस 1/5 करोगे तो 1/5 आएगा, जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो ऐसे ही ऐड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। -1/0 करोगे तो -1 आ जाएगा, R2 में कोई ऑपरेशन है नहीं तो इसको ऐसे ही उतार दो, ठीक है। R3 में ऑपरेशन है, वो मेन है। R3 में क्या है देखिए, R3 जैसे 0 प्लस 2R2, 2 इंटू -1/5, आपको दिखाई दे रहा है, मैं छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस का 2/5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें करोगे आप, 0 प्लस 2 इंटू 1/5, तो ये आ गया 2/5, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। फिर ये 1 प्लस 2 इंटू 0, तो ये आ गया 1, ठीक है बच्चों। तो देखिए अभी अभी यहाँ तक पहुँची है मैट्रिक्स, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखिए अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे 0 बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो मैंने लगाया है वो नेक्स्ट पेज पे है कि R3 में, अब यहाँ 0 कैसे आएगा आप खुद समझिए, जब मैं R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -3 होगा, और -3 प्लस 3 कर दूँ तो 0 हो जाएगा, यानी कि R3 में R3 प्लस 3R1, ये ऑपरेशन मैंने सेलेक्ट किया है, तो R1 R2 दोनों साइड के तो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना, बस R3 में ऑपरेशन लगेगा, तो वो हम यहाँ कैलकुलेशन आगे कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने R1 R2 तो ऐसे ही लिख दिए, अब आप जैसे R3 को देखेंगे उस क्वेश्चन में, अब पेज आगे पीछे हो गया, ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि R3 में जो था 3 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ, ये आ जाएंगे 0 0 5, ये ऊपर देखिए मैंने ऑपरेशन लिख दिया कि R3 में R3 प्लस 3R1 है। कैलकुलेशन करेंगे आप, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, और मैं इधर की भी लिख देता हूँ, 2 1 -2 करके देख लेना बच्चों, यही आएंगे स्टेप, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मैं आपको एक बता ही देता हूँ, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे ना R3 प्लस 3R1, तो 3 -3, वहाँ 0 आया है, फिर यहाँ पे 0 ही है तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें 2 प्लस 3 तो 5 होगा यहाँ पे देखो, ठीक है। इस तरीके से राइट हैंड साइड में भी लगाएं, तो ये आपको ऑपरेशन अप्लाई कर लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो थर्ड रो में 5 आ रहा है, अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, R3 में
5 से डिवाइड कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक्स आती चली जा रही है, तो ये माइनस वन जीरो वन ऐसे ही रहेगा, जीरो वन जीरो 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 वन, फोर बाय फाइव वन बाय फाइव, माइनस वन माइनस वन बाय फाइव वन बाय फाइव जीरो, और थर्ड में डिवाइड करिए ना तो ये हो गया टू बाय फाइव वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव। बताओ बच्चों समझ में आया ना? अब देखो बताओ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगभग बन चुका, अब इसमें बता दो क्या कमी रह गई। एक कमी रह गई, एक तो ये वन आ रहा है, यहाँ जीरो आना है और ये माइनस का वन है, ये ख़त्म होना है। तो बस अब एक ही ऑपरेशन रह गया सेलेक्ट करने से। अगर मैं आर वन में आर थ्री से माइनस कर दूँ, जैसे जीरो माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो जीरो वन माइनस वन जीरो, समझ गए ना आप? तो आर वन में आर थ्री माइनस आर वन, ये ऑपरेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, लास्ट ऑपरेशन है, इसे करते ही जो है मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। ठीक है देखते हैं इधर की मैट्रिक्स और बड़ी बनाते हैं क्योंकि इधर फ्रैक्शन की वैल्यू चल रही है। तो आप देखिए आर वन आर थ्री माइनस आर वन, जीरो माइनस वन करोगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जीरो 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 और वन माइनस वन जीरो, और ये जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन, ये तो बन गई लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इधर जो भी आएगा ना आपका, वही आपका क्या होगा, ए इनवर्स, वही आंसर होगा। तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बच्चों। कैलकुलेशन थोड़ी है कि आर आर थ्री टू अपॉन फाइव में से फोर अपॉन फाइव माइनस करना पड़ेगा, तो फिर वही चीज़ आप साइड में कर सकते हो कि टू अपॉन फाइव में से फोर अपॉन फाइव माइनस कर रहे हो तो माइनस टू बाई फाइव आएगा। ठीक है ना, वन बाय फाइव में से वन बाय फाइव माइनस करोगे तो जीरो आएगा, माइनस टू बाय फाइव में से वन माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस टू बाय फाइव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये थ्री बाय फाइव हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन बच्चों माइंड में करना होगा, ये देखिए ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, माइनस टू बाय फाइव। ठीक है तो आप क्या देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये जो मिला है आपको ये क्या चीज़ होगा, ये ए इनवर्स होगा। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस ए इनवर्स इक्वल, और यही जो आपकी मैट्रिक्स आई है इसी को आप लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा थ्री बाय फाइव, ये माइनस वन बाय फाइव वन बाय फाइव जीरो, टू बाय फाइव वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव, ये आंसर हो गया आपका बच्चों। ठीक है समझ में आया ना आपको ये? तो ये इस तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा।